हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे, संडे का वीकली व्लॉग मैं दिखा रही हूँ आपको, मतलब वीकेंड व्लॉग। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटन, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे कुकर में बनाऊंगी। बिल्कुल टेस्टी मैरिनेट करके मैंने पहले रख दिया है दही से, सारे मसाले से। सो एकदम सेम लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है जैसे कि हम बनाते हैं ना ऐसे वॉक में हो गया या दूसरे किसी भी कंटेनर में, बट आप प्रेशर कुकर में बनाएं इट टेक्स वेरी लेस टाइम। यहाँ पे मेरी बेटी बैठी है, इसके फ्रेंड ने उसके बर्थडे पे उसको ड्रेस भेजा है तो वही देख रही है। और ये जो मेरा गब्बर है वो दिन भर इसके साथ ही रहता है। गब्बर को उसके पास रहना बहुत पसंद है, बिकॉज वो हम लोगों से थोड़ा सा डरता है, मतलब हमारे पास नहीं आता। क्यों पता है? क्योंकि हम उसको ना बहुत ज़्यादा मतलब निचोड़ निचोड़ के प्यार करते हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उसको ना पकड़ के स्क्वीज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा फुला फुला हुआ है, तो इसीलिए। और बेटी यहाँ पे पढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, ये भी लड्डू भी आ गई, मतलब बसंती, जिसको मैं ऐसे लड्डू बोलती हूँ घर पे। तो लड्डू क्या है ना, वो दिन भर, मतलब बसंती दिन भर मेरे पास रहती है, उसको मैं जहाँ रहूँगी वहीं रहना है। तो एनीवेज गाइस, प्रेशर कुकर में जैसे मटन बनाते हैं ना, मैं मतलब संडे रहने से क्या होता था ना पहले ज़माने में, मतलब 1980s 1990s की बात कर रही हूँ, मतलब 90s में क्या होता था, हमारा संडे को मतलब हमारे घर में, बंगालीज के घर में मैंडेटरी था कि मटन बनाना है। तो बहुत सारे लोग रहते थे एक साथ, मतलब तब तो जॉइंट फैमिली थी, तब एक साथ बनाने के लिए मटन, क्योंकि बॉयल होने में टाइम लगता था, तो प्रेशर कुकर में ही बनता था या फिर बहुत बड़े से गुंडी में बनता था। तो तब तो चूल्हा था ना, गैस में उतना मतलब वो नहीं रहता है, हीट नहीं रहता है कि जल्दी बने, तो इसीलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। टेक्स वेरी लेस टाइम, और सारे मसाले जैसे भी है कुकर में एक साथ डाल के मैं सिटी डालती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है। कुछ भी डिफरेंस ऐसा नहीं है कि एकदम पानी पानी करी करी जैसा हो गया, नहीं, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुकर में सारे मसाले, जैसे प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, और जो मटन को मैंने मैरिनेट करके रखा है दही से, अदरक लहसुन प्याज टमाटर थोड़ा सा पेपर पाउडर, ये सब डाल के मैंने ये मैरिनेट करके रखा था। अब देखिए मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ, जैसे कि वो मसाले मतलब अच्छे से फ्राई हो गए, टमाटर वगैरह, बस उसको डालिए और प्रेशर डालिए, सीटी एकदम बन के रेडी है। और यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं संडे को, सैटरडे को दोपहर को। देखिए यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है सैटरडे संडे को, बैंगलोर में नहीं था बारिश, नहीं हो रहा था, सूखा ड्राई एवरीथिंग। पानी देखिए इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, मतलब निकलने के लिए बहुत मुश्किल है। सोचा था सैटरडे संडे को कहीं निकलेंगे, बट हो नहीं पा रहा है, तो थोड़े देर के लिए ही निकले, उसके बाद फिर तो कहीं निकल पाएंगे ही नहीं, इतना मतलब इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए मेरे, हाँ, गब्बर और बसंती का चल रहा है ग्रूमिंग, जैसे कि मैंने कहा है कि पॉस्पेस से लेके आते हैं। पॉस्पेस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, 6 मंथ्स का रहता है, उन लोगों का ईयरली रहता है, तो हम लोगों का ईयरली है साल भर में, क्योंकि उन लोगों को करना ही पड़ता है। तो हर मंथ में इन लोगों का नोज मतलब क्या करते हैं ना, हम लोगों ने जो पैकेज लिया उसमें मतलब इन लोगों का ईयर क्लीनिंग रहता है, सैनिटरी क्लीनिंग रहता है। सैनिटरी क्लीनिंग मतलब उसके, क्योंकि इन लोगों के फर बहुत ज़्यादा है ना, तो फर को क्लीन करना पड़ता है, मतलब वो कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, पूरा काट देते हैं। सैनिटरी क्लीनिंग रहता है, नेल्स ट्रिमिंग रहता है, क्योंकि ये होम पेट्स है, घर पे रहते हैं, इनको नेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर नाखून बहुत ज़्यादा लगता है, तो इन लोगों का ये पॉस पेस से आके इन लोगों को किया जाता है। तो यही हो रहा है इन दोनों का। ये गब्बर है, गब्बर को तो गधा है, इसको तो बहुत हर चीज़ में डर लगता है। ये देखिए मेरी बेटी के गोद में जा रहा है, इसको आना नहीं है, ये इतना ज़्यादा डरपोक है, लड़का होके ये लड़कों के नाम पे कलंक है। मतलब मैंने कभी ऐसे लड़का, हमारे भी बचपन में हमारे घर में ऐसे नॉर्मल कैट्स होते थे, पर्शियन तो नहीं, तब तो नाम भी पता नहीं था कि पर्शियन कैट्स होते एग्जिस्ट होते हैं। तो अभी जैसे ये मतलब जो भी हो, आफ्टर ऑल पर्शियन हो, इटालियन हो, जो भी हो, लड़का तो है, लेकिन ये लड़के होने के नाम पे गधा है, कलंक है, मैं क्या बताऊँ आपको। आप देखेंगे ना, आपको खुद हंसी आएगी, इतना कॉमेडी है, इतना जोकर है ये। इन दोनों को लेके ना हमारा पूरा दिन भर टाइम निकल जाता है। तो ये सैटरडे हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर महीने जैसे सब्सक्रिप्शन लिया रहता है पूरे साल भर का, तो देखिए देखिए क्या कर रहा है वो, उसको जाना ही नहीं है मेरे हबी के पास, उसको दिन भर मेरी बेटी के पास रहना है, क्योंकि हम लोग ना उसको पकड़ के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। That is every month they comes and they say please give us the calm one first, we will do that, then we will take him. She's very good in everything, but that is very much naughty, because I guess his coat is no much more it's dense. Her is okay. And she grooms herself very good. She grooms herself very good. But he is very naughty. He is very
तो इसका ये हाफ इसका हालत देखिए, अपने ट्री हाउस में जाके बैठ गया है। मैंने बोला है ना कि गधा है, बिल्कुल चुपचाप जाके बैठ गया है। अब ये भी गई उसके पीछे पीछे। इन दोनों को लगता है अब हम लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे, तो इन दोनों जाके कैट ट्री में जाके थोड़ा रिलैक्स। रेगुलर बेसिस से बोलती हूँ कि एकटुखानी ये कर, कोम कर, कोम कर, करिस ना केनो? हैं, कोम करिस ना? देख एखन बोलछे पूरा नेड़ा करते होबे ओके एकबार। हाँ, बज रहे शाम के 5:30 और मैं अभी तैयार हो गई हूँ। मैं अभी निकलने वाली हूँ दानिश में। दानिश में क्यों जा रहे हैं फिर से, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। मुझे भी पूरा कंफर्म नहीं मालूम है, बट हम लोग अभी निकल रहे हैं। बाहर का हालत अभी बहुत ख़राब है, अंधेरा हो गया है। आई डोंट नो, मे बी इट कैन रेन। सो चलिए देखते हैं कि दानिश में हम लोग फिर से क्यों जा रहे हैं। I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right, no room for worries. तो हम लोग गए यहाँ पे, तनिष में पहुँच गए। एंड उसके बाद फिर उन्होंने हम लोग को ये दिया है एक ऑनवलॉप, उसको स्क्रैच करने के लिए बोला है कि स्क्रैच करके जो भी मिलेगा, स्क्रैच नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे मिला बोला है गया है कि आप स्कैन कीजिए, स्कैन करके आपको मिलेगा। तो क्या मिला है वो मैं नेक्स्ट डे बताऊँगी। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब हम लोग फिर से निकले थे। अगेन इट वॉज रेनिंग हैविली, इतना ज़्यादा रेन। देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से बारिश में भीग गए। मेरी बेटी को गले में दर्द हो गया, मेरे को फिर से खांसी हो गया, मतलब गले में रैश जैसे हो गया। ऐसा वेदर है बैंगलोर में, मई जून में भी ऐसा हालत है कि आप फैन ऑन नहीं कर पाएंगे। इट्स सो कोल्ड नाउ हियर। सो इन द मीनवाइल मेरी बेटी के लिए बर्थडे था उसका 14 मई को, तो मैंने उसके लिए कुछ ऑर्डर किया था, मतलब मैंने और मेरे हबी ने, वो भी आया, तो उसको देख के वो बहुत खुश हो गई। चलिए देखते हैं कि मैंने उसको क्या दिया है। सो पहले ही ऑर्डर किया था बट आया थोड़ा सा लेट में। और मेरी बेटी ऐसे ही है ना, उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन ये करना, इतनी ज़्यादा रिजर्व्ड है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। सो मैंने सोचा कि चलो उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही देंगे, बच्चों को लैविश ज़्यादा ना दिया जाए तो ही अच्छा है। तो मैंने और मेरे हबी ने मिलकर कुछ प्लान किया था कि जो उसको अच्छा लगता है एंड उसको जो ज़रूरी है वही हम देंगे। और मेरी बेटी बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, तो उसको बहुत, मतलब वो छोटी से छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती है। सो मैंने उसको ऐसे बोला है, मतलब ऐसे बनाया है बचपन से कि छोटी से छोटी चीज़ों में खुश रहना चाहिए, नॉट स्पेंडिंग मच मनी एंड ऑल दैट। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी पड़ी है बहुत सारी चीज़ें जो आपकी शौकिया चीज़ें हैं करने के लिए। तो ये एक घड़ी है, सिंपल सी घड़ी मैंने उसको दी, मतलब मैंने और मेरे हबी ने दोनों ने गिफ्ट किया। बस उसको पसंद आया, खुश हो गई, बस बच्चे के मुँह पर स्माइल आ गया, फेस पर, और क्या चाहिए आपको। So that was all about today's video guys. I hope ये video आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो definitely like and subscribe my channel and देखते रहिए मेरे ढेर सारे और भी ऐसे video. And thank you so much for watching my channel guys. Happy monsoon to all of you. Bye bye.